बीते शनिवार को राहुल गांधी के समक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस पर भाजपा विधायक गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस पतन की ओर है, ऐसे में मनीष खंडूरी का यह कदम आत्महत्या करने जैसा है। उन्होंने कहा कि मनीष खंडूरी ने राजनीति और समाज के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया, कांग्रेस को कोई भी नेता नहीं मिला तो उन्होंने मनीष खंडूरी को कांग्रेस में शामिल किया, लेकिन इसका कोई भी लाभ कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि भुवन चंद्र खंडूरी की छवि एक अच्छे नेता के रूप में है और वह भाजपा के ईमानदार नेता है, लेकिन मनीष खंडूरी कुछ दिनों के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने के लिए अपने कैरियर को बर्बाद करना ना समझी है। देखिए, कांग्रेस ने पूरे साधन लगा दिए, पूरी ताकत झोंक दी, कुमाऊं से लोग बुलवा दिए, एक एक जगह से लोग बुलवाए, उसके बावजूद मुश्किल से 15,000 का आंकड़ा भी नहीं वो पार कर पाए, तो आपको दिखाई देगा कि राहुल गांधी जी की स्वीकारता क्या है। और कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की ठान ले, जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण है, पूरा देश एक बार फिर देश का भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित देख रहा है, इसमें मात्र कुछ दिनों के लिए समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने के लिए अपने कैरियर को समाप्त करना एक मतलब ना समझी कहूंगा। और क्योंकि मनीष जी वैसे हमारे पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, 2 रुपए के मेंबर भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये देखना चाहिए था कि जिस पार्टी ने उनके पिता को सेना से आने के बाद तुरंत एमपी का टिकट दिया, केंद्र में मंत्री बनाया और उनकी ईमानदार छवि आज पूरे देश में जानी जाती है, और जितना काम उनके समय में जो मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर हुआ, एनएच में हुआ, वो अपने आप में एक मिसाल है, उनको उनसे सबक लेना चाहिए था। लेकिन मतभेद होते हैं, आपने देखा होगा विजय राजे सिंधिया जी हमारी पार्टी में थी, माधव राव सिंधिया जी कांग्रेस में थे, आज वसुंधरा राजे हमारी पार्टी में है, आदित्य उनके भतीजे आदित्य राज दूसरी पार्टी में है, तो लेकिन उनके आने जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाले वाला, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, जब कांग्रेस ने बहुत घोड़े खेल लिए उनको कोई नेता नहीं मिला तो उन्होंने एक अखबारी शुरू करने के लिए काम किया है, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। हमें खंडूरी जी पर बुरा भरोसा है, वो एक सैनिक हैं, मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं उनको बहुत नजदीक से देखा है, और खंडूरी जी ने कहा है कि पार्टी कहेगी तो मैं मनीष के खिलाफ प्रचार करूंगा, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।